अशरफ, आप इतनी टेंशन ना लें, अगर आपको कुछ हो गया तो। अभी कुछ होना बाकी है क्या? मेरी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने, और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। यकीन माने, इसमें अतिया का कोई कसूर नहीं है। क्या? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हारी मासूम बहन अभी फोन पे इमाम की पूरी कहानी सुना रही थी किसी को। अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो जाके पूछ लो उससे। लो, वो आ गई। पूछ लो इससे, बोलो किससे बात कर रही थी तुम इमाम के बारे में? अभी तुम कह रही थी ना अभी फोन पे कि इमाम का रिश्ता फला जगह तय हुआ, फिर रिश्ता टूट गया। बोलो अतिया, किसकी कॉल थी? साइम की। देखा, तुम्हारी बहन पल पल की खबरें दे रही है उन लोगों को। क्या पूछ रहा था वो? वो पूछ नहीं रहा था, वो नाराज हो रहा था कि अम्मी को पहले क्यों नहीं बताया कि माँ की मंगनी टूट चुकी है और वो जुनेद को पसंद करती है। अरे ठीक ही तो कह रहा था वो, बताना था तो बात तय होने से पहले बताती ना। लेकिन नहीं, तुमने पहले अपनी बात तय की, उसके बाद सब कुछ फूट दिया। प्लीज अशरफ भाई, मेरा यकीन करें, मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो उनको ख्वाब आया होगा? अरे मेरी बात तो सुने। अरे मैंने कुछ नहीं सुनना। शगुफ्ता, एक बात और से सुन लो, अगर मेरी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हुआ ना, मैं तुम्हारी बहन की शादी मानी होने दूंगा।